मैं उन लड़कियों के बिहाव पे अपनी कविता रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ जो अक्सर घर से निकलते वक्त और काम से आते वक्त एक खौफ में रहती हैं, या जितनी भी मोहतरमाएँ बैठी हैं सभी जानती होंगी कि हमारी लाइफ में एक ना एक ऐसा इंसान होता है जिसे देखकर बस मन करता है इसे तो गोली मार देनी चाहिए या इसे पब्लिक में छोड़ देना चाहिए कि इसका भड़ता बन जाए, राइट? क्यों इतना गुस्सा, क्यों ऐसी सोच, क्यों क्यों ना हो ऐसी सोच हमारी? उनकी हरकतें इतनी छिछोरी होती हैं, उनकी नज़रें ही इतनी वैशी होती हैं। तो ऐसे ही इंसानों से मैं कहना चाहूँगी कि तुमसे एक सिफारिश है, तुमसे एक सिफारिश है। सिफारिश कुछ यूं है कि अपने घर में एक आईना रखना, अपने घर में एक आईना रखना, वो आईना जो तुम्हारी शक्ल ना दिखाए, तुम्हारे दिल में छुपी बुराई सामने लाए, और कभी तो तुम्हें भी रुलाए, पछतावे का एहसास करवाए, तुम्हें खुद से भी तब पता चल पाए जब कोई तुम्हारे भी दिल और सीने में दर्दनाक जख्म दे जाए। मैंने अक्सर सुना है जब किसी लड़की के साथ कुछ छेड़छाड़ होती है या कुछ भी होता है तो उसके कैरेक्टर्स पर बहुत डेफिनेशंस दी जाती हैं, छोटे कपड़े, बहुत सारी चीज़ें। उसके कैरेक्टर को ऐसे डिफाइन किया जाता है जैसे करने वाले से ज़्यादा उसके ऊपर उसको टॉर्चर होना पड़ता है। तो तुम्हारे चरित्र पर भी दाग लग जाए, समाज के ताने तुम्हें भी झेलने पड़ जाए, उठते बैठते तुम्हारा भी चैन खो जाए, और तुम्हारे घर वाले भी बिना बात के शर्मिंदा हो जाए, तुम्हें तब समझ आ पाए। एक लड़की तो फिर भी चिल्लाती है पर जुबान होते हुए भी तुम्हारी आवाज ना निकल पाए, जुबान होते हुए भी तुम्हारी आवाज ना निकल पाए। मैं एक लड़की हूँ, मैं अक्सर सुनती आई छोटे कपड़े, रात को लेट आना, काम पर जाना। तो मैं उसी समाज से पूछना चाहूँगी, ये समाज भी क्या खूब बातें करता आया, ये समाज भी क्या खूब बातें करता आया, छोटे कपड़ों को दोष देता था, अरे सलवार कमीज में भी किसको बचा पाया, किसको बचा पाया। शुक्रिया दोस्तों। गंदगी छोटे कपड़े पहनने में नहीं। मैं यहाँ रुकना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी, एक लड़की एक सिटी से दूसरी सिटी आती है कुछ करियर बनाने तो कुछ पैसा कमाने अपने घर वालों के लिए, और जब उस लड़की के साथ कुछ छेड़छाड़ होती होगी और ये सब होता होगा तो वो कितना डीमोटिवेट होती होगी। तो दोस्तों, गंदगी छोटे कपड़े पहनने में नहीं, गंदगी खुलकर हंसने में नहीं, गंदगी रातों को सड़कों पर चलने में नहीं, गंदगी अपने घर को पालने में नहीं, गंदगी है तो हमारी दृष्टि में, हमारी वैश्विक निगाहों में, गंदगी एक लड़की के आगे बढ़ने में नहीं। मैं इस कविता की एंडिंग करते हुए ये बोलना चाहूँगी कि मैंने जो सीखा है, आपको लाखों बार आकर कोई बोल दे कि आपने गलत किया या आप गलत कर रहे हैं तो हम नहीं मानते। सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ रियलाइजेशन, जब हमें खुद से ही एहसास होता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं या जो हमने किया वो गलत है। तो उसी इंसानों के लिए, एहसास तुम्हें खुद से ही हो, एहसास तुम्हें खुद से ही हो कोई और ना आकर बताए, एहसास तुम्हें खुद से ही हो कोई और ना आकर बताए, जो निशान दरिंदगी के तुमने उन्हें दिए, काश उन्हीं से तुम्हें भी जूझना पड़ जाए, और शरीर के निशान तुम्हारी भी रूह को मार जाए, और तब तुम्हें समझ आए, काश तब, शायद तब, नंगा होने के दर्द से ज़्यादा नंगा करने वालों को शर्म आ जाए, नंगा करने वालों को शर्म आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।